तो गाइस सर, अभी मुझे मेरे सीनियर ऑफिसर ने पुलिस स्टेशन पर बुलाया, तो अभी हम बस पहुंच चुके हैं पुलिस स्टेशन। फटाफट से अपनी बाइक को खड़ी करते हैं। पता नहीं मुझे क्यों बुलाया, लॉस सैंटोस में इतने काम लगे पड़े, क्राइम हो रहे लॉस सैंटोस में, मुझे सबको रोकना था, पर मेरे सीनियर ऑफिसर ने बुलाया तो जाना तो पड़ेगा। हेलो सर। आओ फ्रैंकलिन, आओ। बोलिए सर, आपने मुझे बुलाया, क्या हो गया? फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, तुम बहुत ही अच्छे पुलिस वाले हो। क्या इसका मतलब मेरा प्रमोशन होने वाला है? अरे रुको रुको, इतनी जल्दी भी क्या है? तुम बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर हो, तुम बहुत ही अच्छे पुलिस ऑफिसर हो, पर तुमसे भी बहुत अच्छे पुलिस ऑफिसर हमारे लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट में आ चुके हैं, तो हमें नहीं लगता तुम्हारा अब यहाँ पर काम है, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जा सकते हो? क्या मेरा ट्रांसफर हो रहा है? सर मेरा ट्रांसफर अब दुबई में कर दो, वहाँ पर जाके मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। अरे फ्रैंकलिन, तुम्हारा कोई ट्रांसफर नहीं होने वाला दुबई में, हम तुम्हारी पुलिस की जॉब कैंसिल कर रहे हैं, तुम कल से पुलिस स्टेशन में नहीं आ सकते, निकल जाओ। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे सर मैंने क्या किया, मैं तो ढंग से काम करता हूँ अपना। ये सब मुझे नहीं सुनना, जल्दी से अपने पुलिस के कपड़े उतारो और निकल जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं उतारूंगा कपड़े, मुझे पुलिस ऑफिसर बन के रहना है, मैं लॉस सैंटोस की रक्षा करना चाहता हूँ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे सर मुझे पुलिस ऑफिसर बने रहना है, प्लीज सर मुझे मत निकालो। तुम्हारी तो ये लो। ऑफिसर जल्दी से इसकी पुलिस यूनिफॉर्म निकाल लो और इसको रोड पर फेंक देना, आया बड़ा काला पुलिस वाला। ये मेरे साथ क्या हुआ था? क्या मैं सपना देख रहा था? एक सेकंड, मैं यहाँ पर नंगा क्यों सो रहा हूँ? ये मेरे साथ क्या हो गया? मुझे पुलिस की जॉब से निकाल दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? और मैं ये कहाँ पर हूँ? मुझे समझ नहीं रहा, ये कहाँ पर फेंक दिया मुझे? एक सेकंड, ये तो सामने मेरा पुलिस स्टेशन है, इन लोगों ने मेरी जॉब ले ली, मुझे पुलिस वाला बनना है। ए लड़के रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? लड़के कल तक तो मुझे ये सर सर करके बोल रही थी, आज मुझे लड़का बोल रही है, मुझे वापस से पुलिस वाला बनना है। हमें से किसी को पुलिस वाला नहीं बना रहे थे, निकल जाओ यहाँ से। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मुझे वापस से पुलिस वाला बनना है। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रहा था, गन वन निकालने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे काइजर ये क्या हो गया, मेरी पुलिस की जॉब चली गई, और वो जो लड़की कल तक मुझे सर सर करके बोल रही थी, आज मुझे गन दिखा के डरा रही है, तो इसका मतलब अब मैं फालतू आदमी बन चुका हूँ, क्योंकि मेरी पुलिस की जॉब जा चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरी पूरी की पूरी जिंदगी खराब हो गई यार, मैं पुलिस ऑफिसर की जॉब से निकल गया। मेरा जो सपना था पुलिस की सारी सुपर कार चलाने का, वो मेरा सपना सपना ही रह गया, मुझे पुलिस की जॉब से निकाल दिया है, अब वो पुलिस की सुपर कार्स में कभी नहीं चला पाऊंगा। एक सेकंड, पुलिस की सुपर कार्स चलाने का मेरा सपना अभी भी पूरा हो सकता है, मैं एक पुलिस वाला नहीं रहा पर मैं चोर तो हूँ। पुलिस वाला बनने से पहले मैं चोर था, और पुलिस वाला बनने के बाद मैं वापस से चोर बन चुका हूँ। तो कैसर मैंने सोच लिया है, मैं वो पुलिस की सारी सुपर कार्स चुराने वाला हूँ, जो कि मुझे मिल सकती थी अगर मैं एक पुलिस वाला बना रहता तो, पर अब मैं पुलिस वाला तो नहीं रहा पर मैं इनकी सारी की सारी सुपर कार्स चुराऊंगा। और आपको मैं बता दूं कि इनकी सुपर कार्स बहुत खतरनाक होती है, लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज बुगाटी और भी बहुत ही खतरनाक सुपर कार्स इनके पास होती है, जो कि आज मैं चुराने वाला हूं। तो मैंने तो सोच लिया इनकी सारी की सारी गाड़ियां चुराने का, उससे पहले थोड़े कपड़े पहन लीजिए, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे के सारे कपड़े यहां पर ले लिए, तो फटाफट से कुछ कपड़े पहन लेते ताकि हम एक नॉर्मल इंसान तो लगने लग जाए, फटाफट से अपनी पैंट वेंट पहनते और फिर चोरी करने चलते। तो कैसर अभी आप देख सकते हो मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं, और कैसर पहले मैं पुलिस स्टेशन में काम करता था, इसलिए मुझे पता है कि इन गैराज के अंदर खतरनाक सुपर पुलिस कार्स होती है, मतलब जो सुपर कार्स होती है ना उनको मॉडिफाई करके ये पुलिस कार बना देते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए। तो मैंने सोच लिया अपने सबसे पहली सुपर पुलिस कार तो मैं इधर से ही चुराने वाला हूँ, पर चुराऊं कैसे, यहाँ पर ये इतने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, मुझे कुछ ना कुछ तो आइडिया सोचना पड़ेगा। एक सेकंड, मेरे पास आइडिया, रुक जाओ, मुझे पता चल चुका है, वो तो अच्छा है, पहले इस पुलिस स्टेशन में मैं काम करता था, इसलिए मुझे चप्पा चप्पा पता है इस पुलिस स्टेशन का। तो फटाफट से चलते हैं यहाँ से अंदर, यहाँ से चलेंगे चुपचाप से, कोई पुलिस वाला हमें देख ना ले, जल्दी चलते हैं। तो कैसे मुझे नहीं लगता कोई मुझे देख पाएगा, और ये शटर क्यों खुलने लग गए। चलो यार फटाफट से ऊपर चढ़ते, क्योंकि गाइस मैं यहाँ से लैंड करूंगा
सीधा उस गैराज के अंदर और गाड़ी लेके सीधा गायब हो जाऊंगा। अब देख सकते पुलिस वालों को कुछ भी पता नहीं चलने वाला। चुपचाप से यहाँ से नीचे उतरते हैं और इस गैराज में चलते, इनको कुछ पता नहीं चलने वाला। और ये गैराज भी ऐसे खुलने नहीं वाला, मुझे इसका कोड बोलना पड़ेगा। और इसका कोड है काला बंदर खाए काला गुलाब जामुन। और आप देख सकते हो ये शटर हमारा खुल चुका है और ये गाड़ी कितनी ज्यादा खतरनाक है। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठ जाते हैं। ये खतरनाक सी पुलिस वाली व्हीकल हमें मिल चुकी है और बस हमें यहाँ से निकलना है। और निकलेंगे बहुत ही आराम से इनको उड़ा के, बाय बाय पुलिस वालों। तो गाइस आप देख सकते हो हमने अपनी सबसे पहली सुपर कार चुरा ली है। एक सेकंड, इनसे मुझे बदला भी तो लेना है। ये लो, सबको एक और बार मारेंगे, अब यहाँ से निकलेंगे, बाय बाय। तो गाइस अभी हमने अपनी सबसे पहली पुलिस की सुपर कार चुरा ली। आप देख सकते हो कितनी ज्यादा खतरनाक और कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। चलो इसको फटाफट से लेके चले थोड़ी सी राइड पे। हमारी सबसे पहली सुपर कार तो हो गई, पर इसके बाद भी बहुत सारी सुपर कार हमें चुराना बाकी है पुलिस की। और वो सारी की सारी गाड़ियां हमें इनके गैराज में नहीं मिलने वाली, वो सारी गाड़ियां बड़े बड़े ऑफिसर्स के पास होती है। तो आप टेंशन मत लो, उधर से वो सारी की सारी गाड़ियां हम चुरा के रहेंगे। सबसे पहले इस गाड़ी को ठिकाने लगा देते हैं, ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर कोई पुलिस वाला देख ना ले। चलो फटाफट से यहाँ पर इस गाड़ी को अपन पार्क पे लगा देते हैं, यहाँ पर कोई देखने नहीं वाला, यहाँ पर छुपा के अपनी गाड़ी को लगा देते हैं। और चलते हैं हम अपनी अगली गाड़ी चुराने, अगली सुपर पुलिस कार। तो गाइस अभी हम आ चुके अपनी अगली पुलिस सुपर कार चुराने और वो पुलिस सुपर कार हमें मिलने वाली है इंस्पेक्टर के घर पर। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी पुलिस खड़ी है। अरे यार ये इंस्पेक्टर ने इतनी सारी पुलिस क्यों खड़ी कर रखी है अपने घर पे। मुझे इसके घर के अंदर कैसे भी करके घुसना पड़ेगा क्योंकि इसके पास एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पुलिस वाली सुपर कार है। तो यहाँ पर तो बहुत ही बड़ी बड़ी दीवार है, तो मुझे कहीं पे छोटी दीवार ढूंढनी पड़ेगी, उसके लिए सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। चलो फटाफट से चलते हैं आगे यहाँ पर और कोई छोटी दीवार ढूंढते हैं जहाँ से हम आराम से अंदर घुस पाएंगे। और मुझे लगता है मैं यहाँ से अंदर आराम से चला जाऊंगा। फटाफट से उतरते हैं। तो कोई सर इसने बहुत सारी सिक्योरिटी कर रखी है अपने पुलिस वालों की वजह से, तो मुझे बिल्कुल ढंग से जाना पड़ेगा, कोई भी पुलिस वाला मुझे देख ना ले। चलो यार फटाफट से चलते हैं और उनकी गाड़ी चुराते हैं। और यहाँ पे देखो तो कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं। भाई मैं कैसे चुराऊंगा इनके बीच में से गाड़ी। चुपचाप से जाना पड़ेगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, चुपचाप से चलते हैं। और आप देख सकते हो हम आ गए और ये वही गाड़ी है जो कि मुझे चुरानी है, ये खतरनाक सी पुलिस की मर्सिडीज। पर आप देख सकते हो इसके चारों तरफ ये सारी गाड़ियां खड़ी है, इसको निकालना यहाँ से बहुत ही मुश्किल होने वाला है, इसलिए मुझे इन सबको मारना ही पड़ेगा। पर कैसे मारूं, ये बहुत ही ज्यादा जने यहाँ पर। रुक जाओ, मेरे पास एक आइडिया है, मैं हर जगह यहाँ पे बॉम्ब फेंकने वाला हूँ और इनको पता नहीं चलेगा, और एक ही बारी में सारे के सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा ताकि ये सारे के सारे लोग भी मर जाएंगे और एक ही बारी में किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो फटाफट से बॉम्ब लगा दी, अपन अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाए ताकि अपनी गाड़ी ब्लास्ट ना हो जाए। चलो फटाफट से ब्लास्ट करते हैं, 3, 2, 1। और गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सभी जनों को मैंने ब्लास्ट कर दिया, जितने जने बचे उन सबको मार देते हैं और यहाँ से निकलते हैं, बाय बाय पुलिस वालों। तो गाइस हमने एक और गाड़ी चुरा ली। ये क्या, मैं गलत रास्ते पे आ गया, यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं है, पीछे जाना पड़ेगा। तो हमने एक और खतरनाक सी पुलिस की मर्सिडीज चुरा ली और ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसको लेके यहाँ से फटाफट से निकलते हैं। उससे पहले की पुलिस वाले बोलते ही आ गए, जल्दी जल्दी भगाओ भगाओ भगाओ। चलो गाइस फटाफट से निकलते हैं क्योंकि बहुत सारे पुलिस वाले आ चुके हैं और ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये देखो मैं जैसे टच कर रहा हूँ वो गाड़ी कैसे आगे उड़ती हुई जा रही है। ये ले, और आप देख सकते हो वो गाड़ी पूरी की पूरी ब्लास्ट हो गई। अरे अंकल साइड हो जाओ, चलो फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। इन सारे पुलिस वालों को ठोकर मारते मारते इनको हवा में उड़ाते उड़ाते हम जाने वाले हैं लॉस सैंटोस से दूर, ताकि हम इनसे पीछे छोड़ पाए। ये बहुत ही सारे पुलिस वाले यहाँ पे आ चुके क्योंकि मैंने एक इंस्पेक्टर की गाड़ी चुराई है, तो इतने पुलिस वाले आने तो बनते ही थे। चलो फटाफट से निकलते, तुम मुझे कभी नहीं पकड़ सकते, बाय बाय। चलो यार फटाफट से पुलिस से पीछे छुड़ाते हैं। तो गाइस अभी अपनी आखिरी गाड़ी यहाँ पर चुराने आ चुके हैं इस पुलिस वाले के घर पे। ये पुलिस वाला 80 साल से पुलिस वाला बना हुआ, मतलब पुलिस की जॉब कर रहा है, और इसके पास बहुत ही खतरनाक खतरनाक पुलिस की गाड़ी है। पर ये नॉर्मल वाली पुलिस की गाड़ी है यहाँ पर।
अरे यहाँ पे इतने सारे पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो गया? रुक जाओ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरी गाड़ी कैसे चोरी हो गई? वो बहुत ही रेयर पुलिस कार थी, किसने चोरी कर ली? सर आप टेंशन मत लो, जिसने भी चोरी करी है मुझे ढूंढ लेंगे। जल्दी ढूंढो वो गाड़ी, मुझे कैसे भी करके चाहिए। अरे गाइस सर ये क्या हो गया? जो गाड़ी मैं चुराने आया था वो किसी और ने चुरा ली। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे अलावा कौन है लॉस सैंटोस में चोर? मुझे वही रेयर पुलिस कार चुरानी थी जो कि इसकी चोरी हो चुकी, पता नहीं किसने चोरी कर ली। रुक जाओ, मुझे पता है मेरे अलावा एक ही चोर है जो कि ये चोरी कर सकता है। उसको फटाफट से फोन लगाते हैं। हेलो मिंटू, कहाँ पर है तू? मैं आ रहा हूँ मिंटू, रुक जा वहाँ पर। अरे मिंटू तूने किसी पुलिस वाले के घर से कार चुराई क्या? एक रेयर सुपर पुलिस कार। अरे हाँ बेटा चुराई है ना यार, तेरे को कैसे पता चला? अरे तूने क्यों वो गाड़ी चुरा ली? मुझे चुरानी थी उस गाड़ी को। अरे बेटू तेरा क्या नाम लिखा हुआ था उस गाड़ी पर? मैंने चुरा ली मतलब मेरी हो गई। चल चल फुट यहाँ से। अरे मिंटू प्लीज मुझे वो गाड़ी दे दे, प्लीज दे दे। अरे ऐसे कैसे दे दे बेटू, अपन ने इतनी मेहनत से चुराई है, अपन तेरे को ऐसे नहीं दे सकता। अरे मिंटू दे दे यार। अच्छा चल मैं तुझे वो गाड़ी दे दूंगा, बट तुझे उसके बदले मुझे $50 मिलियन देने पड़ेंगे। क्या 50 मिलियन? अबे वो गाड़ी 100 मिलियन की है, मैं तुझे 50 मिलियन में दे रहा हूँ, चाहिए तो ले वरना फोटे यहाँ से। नहीं 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 चाहिए चाहिए। हाँ तो 50 मिलियन दे। अभी तो मेरे पास नहीं है पर मैं तुझे पैसे ला के जरूर दे सकता हूँ। हाँ तो जब पैसे हो तब ला के दियो, और जल्दी करना वरना ये गाड़ी बेच दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं तू गाड़ी मत बेचना, मैं 50 मिलियन ला के देता हूँ। तू कह सर इस मिंटू ने उस गाड़ी को चुराया है और ये बोल रहा है अगर वो मुझे गाड़ी चाहिए तो $50 मिलियन देने पड़ेंगे। तो उस गाड़ी को पाने के लिए हमें एक और चोरी करनी पड़ेगी। इस बार कोई गाड़ी की चोरी नहीं, इस बार होगी पैसों की चोरी। चल फटाफट से चलते हैं और चोरी करते हैं। तो गाइस सर आप सबने सोचा होगा कि उस चोर को पैसे देने के लिए मैं चोरी करने वाला हूँ एक बैंक में। आपने बिल्कुल गलत सोचा, क्योंकि मैं कोई बैंक में चोरी नहीं करने वाला, मैं चोरी करने वाला हूँ पुलिस स्टेशन में। और आप सोचोगे पुलिस स्टेशन में क्या ही मिलने वाला, उनके पास पैसे तो ना होते हैं। लगता है आपको पता नहीं है कि पुलिस वालों के पास बहुत ही बड़ा खजाना होता है, जो कि आज आपको पता चलने वाला है, क्योंकि हम वहां पर चोरी करने वाले हैं। और यहां पर ये पुलिस वाले खड़े हैं क्योंकि मैंने आज इनकी कार चुराई थी, तो इन्होंने सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ी है, सिक्योरिटी और भी ज्यादा बढ़ा दी है। कोई बात नहीं, हमको किसी से डरना नहीं है, सीधा मारेंगे गोली। अबे इधर किधर देख रहा है ये टकले? तो कहे सर इन दोनों को तो हमने मार दिया, अंदर भी मुझे बहुत लोग दिख रहे हैं, सबको फटाफट से मारते हैं और घुसते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। हट जाओ, फ्रैंकलिन चोर आ चुका है, निकल यहाँ से, इसको फटाफट से मारते हैं। हमारे कैप्टन के ऑफिस में जाएंगे और इसको भी बेल देते हैं। तो कहे सर कैप्टन के ऑफिस में घुस के कैप्टन को मार दिया। और अंकल क्या हाल है, ये लो। तो कहे सर इसको भी हमने मार दिया। और ये क्या, यहाँ पर ये बॉम्ब पड़ा है, चलो अपने साथ ले लेते हैं और चलते हैं नीचे सीधा खजाने के पास। जब आप ये खजाना देखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि आपने कभी नहीं देखोगे पुलिस स्टेशन में इतना खतरनाक खजाना होता है। इसको भी मारते हैं, तुम भी लो सालो, ये लो। तो कहे सर आपको लग रहा होगा यहाँ पे तो जेल के सेल होते हैं जहाँ पर चोरों को रखा जाता है, पर नहीं, यहाँ पर एक खतरनाक सी तिजोरी भी होती है जहाँ पर अभी मैं बहुत ही खतरनाक बॉम्ब लगाने वाला हूँ। उससे पहले फटाफट से ये बॉम्ब ले लेते हैं और चलते फटाफट से पूरी तिजोरी को उड़ा देते हैं। वैसे तो मैं इनसे कोड लेके भी खुलवा सकता था, पर कोड वोड लेने का टाइम नहीं है, सीधा बॉम्ब लगाओ और उड़ा डालो। चलो फटाफट से अपना सबसे पहला बॉम्ब लगाएंगे और अब लगाएंगे दूसरा बॉम्ब और ये तीसरा बॉम्ब भी फटाफट से लगा देते हैं और ये ब्लास्ट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस हम जाके यहाँ पर खड़े होंगे, 3, 2, 1। और आप देख सकते हो ये गेट हो गया पूरा का पूरा ब्लास्ट। तो गाइस सर अभी आप देख सकते हो हम आ चुके हैं जेल सेल्स में, और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने खतरनाक चीजें पड़ी है। ये सारी चीजें होती है चोरी की, ये पुलिस वाले सबका सब रख लेते हैं फिर बाद में बेच देते हैं बहुत सारे पैसों में, पर अब ये बेच लेने वाले क्योंकि सारा का सारा माल मैं चुराने वाला हूँ। आप देख सकते हो $2 लाख हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मुझे यार आराम से $50 मिलियन तो इधर से मिल ही जाएंगे। चलो फटाफट से सारा का सारा चोरी का माल उठाते हैं और फिर अपनी आखिरी कार हम खरीदने जाएंगे। चलो 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 आने दो, सारा पैसा चाहिए मुझे, जल्दी सारा का सारा पैसा ले लेते हैं। अभी तो सिर्फ ये पहले सेल का पैसा है, इसके बाद हमें और भी बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अभी ये पुलिस वाला तो ये कर रहा है, अबे तेरी आंटी पागल डरा दिया मुझे, ये पुलिस वाली आंटी यहाँ पे आई कैसे, मुझे तो पता भी नहीं चला। अच्छा वो तो सही टाइम पे मैंने देख लिया। चलो यार वापस अपना पैसा लूटना शुरू करते हैं। मैं आपको सारे के सारे सेल
खाली करने के बाद मिलता हूँ। तो कैसर अब ये आखिरी सेल बचा है तो फटाफट से इसको भी सारा का सारा लूट लेते हैं। और ये पुलिस वाले बार बार कहाँ सारे, जल्दी जल्दी सारा का सारा लूट लेते हैं उससे पहले कि पुलिस वाला अंदर आ जाए। जल्दी 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 ले लेते हैं, यहाँ का भी जितना बचा ये सारा का सारा उठा लेते हैं। आते जाओ, इतना सारा पैसा हमने यहाँ से उठा लिया, हम आराम से उस कार को उस चोर से खरीद पाएंगे। अबे जाओ ना काले टकलो। ये इन दोनों को मैंने मार दिया। और कैसर इन खतरनाक क्रेट्स में क्या है वो भी देख लेते हैं। और इधर इसमें क्या निकलेगा, और ये पता नहीं क्या बैग है, इसको फटाफट से जेब में डाल लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या है कि। अबे अंकल इधर किधर लेट गए, रुक जाओ अंकल साइड होना थोड़ा सा, इधर भी देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। और आप देख सकते हो एक और बैग मिल चुका, और आखिरी क्रेट यहां पर बचा है, इसको भी फटाफट से खोलते हैं, देखते हैं इसमें से भी क्या निकलेगा। और ये क्या, आप देख सकते हो हमारे पास अभी हो चुके हैं $60 मिलियन, और हमें तो सिर्फ 50 मिलियन चाहिए थे, हमें 60 मिलियन कर लिए। चलो फटाफट यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को हमने लूट लिया। अरे मैं तो भूल ही गया था, बाहर बहुत ही सारी पुलिस होने वाली, तो मैं बिल्कुल ध्यान से चलना पड़ेगा। आ जाओ पुलिस वालों, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। चलो यार फटाफट से यहाँ से निकल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सही में बहुत ही ज्यादा पुलिस आने वाली है, कि मैंने बहुत बड़ी चोरी करी है। सब लोग बैंक में रॉबरी करते हैं और मैंने पुलिस स्टेशन में रॉबरी कर डाली। वो तो मैं पुलिस वाला था पहले, इसलिए मुझे सारे के सारे रास्ते पता है, जो जो ये कांड करते हैं वो सब पता है। इसलिए हम यहाँ से निकलने वाले हैं फटाफट से इस पुलिस वाली हयाबुसा में। चलो चलो मैं तो जा रहा हूँ, पुलिस वालों तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। तो कैसर अभी आप देख सकते हो हमने $60 मिलियन चुरा के पुलिस स्टेशन से वहां से निकल चुके हैं, और मैं जाने वाला हूँ सीधा उस चोर को देते हैं $50 मिलियन, और वो कार अपन ले लेते हैं। ये पुलिस वाले तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि मुझे लॉस सैंटोस के इतने शॉर्टकट पता है। ओके ये वाला शॉर्टकट नहीं था, बहुत तेज लगी पर कोई बात नहीं, चलो फटाफट से चोर के पास चलते हैं। तो कैसर पुलिस वालों से एस्केप करवा के हम आ चुके हैं मिंटू से मिलने। उसने मुझे यही पर कहीं पर बुलाया था। अबे ये कौन सी गुफा है, ये नाले में किसने गुफा बना रखी है। तो मैं सारा का सारा पैसा लेके यहाँ पर आ चुका हूँ, और ये रहा हमारा मिंटू। अरे बेटो तू आ गया। हाँ मिंटू मैं आ गया, और ये तेरा सारा का सारा पैसा भी मैं लेके आ चुका हूँ। अरे बेटो मुझे तेरा सारा पैसा तो चाहिए, पर साथ में एक और चीज चाहिए। अरे अब क्या चाहिए, पहले तूने बोला था 50 मिलियन चाहिए, अब और क्या चाहिए। अरे बेटो मुझे तेरी ये बाइक चाहिए, पुलिस वाली भाई। अरे ये तो तू रख ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, रख ले। थैंक यू बेटो, चल मैं चलता हूँ। वो कार हुई तेरी, ये बाइक हुई मेरी, बाय बाय। अरे ये बाइक तो बहुत ही खतरनाक है बेटू। तो कैसर अभी वो जा चुका है 50 मिलियन और वो बाइक लेके, और हमें ये खतरनाक सी पुलिस की बुगाटी मिल चुकी है। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, चलो इसको फटाफट से बाहर निकालते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है। अबे कहां जा रही है, आराम से। तो कैसर आप देख सकते हो ये बुगाटी कितनी ज्यादा खतरनाक है, और ये कितनी ज्यादा फास्ट है, इसमें ड्रिफ्ट मारने का क्या ही मजा आ रहा है। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, आपको कैसी लग रही है फटाफट से कमेंट करके बता दो। ये देखो भाई कितनी ज्यादा फास्ट है, और कितनी ज्यादा तगड़ी लग रही है। ये कहाँ जा रही है, ये तो उड़ने भी लग गई। तो कैसे फटाफट से कमेंट करके बताओ, हमने जितनी भी आज पुलिस की गाड़ियां चुराई, आपको उनमें से सबसे अच्छी गाड़ी कौन सी लगी। मुझे सबसे अच्छी तो यही लगी, और सेकंड नंबर पर वो मर्सिडीज थी। आपको कौन सी अच्छी लगी फटाफट से कमेंट करके बता देना। तो कैसे आज की वीडियो से बताई, अगर आपको आज वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, पता नहीं इसी वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो। और कैसे इस टॉपिक डिस्क्रिप्शन में वहां जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना, वहां बैठ के मस्त मस्त बातें करेंगे। और कैसे हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।